दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत मंगलवार से हो गई। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग विश्वविद्यालय आईटी सेल से किया जा रहा है। साथ ही सुचितापूर्ण परीक्षाओं को लेकर केंद्रीय उड़ाका दल के साथ 5 क्षेत्रीय उड़ाका दलों का गठन किया गया है। पहली बार परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल का निरीक्षण करने के साथ परीक्षा केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस संबंध में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं 2 पाली में शुरू हो गई हैं। प्रथम पाली में 92 और द्वितीय पाली में 60 केंद्रों पर स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित हुई, जिसमें LLB, बॉटनी, उर्दू, इकोनॉमिक्स सहित विभिन्न विषयों की परीक्षाएं संपन्न हुई। कुलपति ने बताया कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे नहीं चलने की शिकायत मिली है, तो कहीं तकनीकी जानकारी ना होने से लिंक नहीं जुड़ पाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा, आज छोटी परीक्षा है, करीब दिन में 92 सेंटर पे, 61 सेंटर पे चल रही है। ज़्यादातर साइंस के हैं, बॉटनी है, इकोनॉमिक्स है, उर्दू है, ऐसे सब्जेक्ट का हो रहा है। और मैं ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल में आया था देखने। इस बार ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल काफ़ी एक्टिव है। देखने में आ रहा है कि बहुत सारे कैमरे बंद हैं या कुछ फॉल्ट है, तो उस पर नोटिस भेजा जा रहा है, सारे कॉलेजेस को नोटिस भेजा जा रहा है। और कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है, कुछ कॉलेजेस को आइडिया नहीं है कैसे लिंक करें। इसमें यह था कि यहाँ से लिंक जाना था गूगल का, उस गूगल में अपना पूरा डेटा भर के भेजना था, तो वहाँ ऑन करके तो बैठे हैं लेकिन लिंकेज नहीं है। कॉलेजेस के पास वो उस टेक्निकल पर्सन की शॉर्टेज है, उसको हम लोग दिखा रहे हैं। ओवरऑल पहले दिन परीक्षा पीसफुल रही और कंट्रोल में रही। लगभग 30 से 40 प्रतिशत सेंटर पर लिंक नहीं हो पाया ऑनलाइन। वहाँ पे हम लोग अपना उड़ाका दल भेजा है और ऑब्जर्वर भेजे हैं, तो करीब हमारे 7 उड़ाका दल हैं और 20 ऑब्जर्वर हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। साथ में ये मॉनिटरिंग सेल काम कर रहा है और बाकी एग्जामिनेशन आज जैसे चल रहा है चल रहा है। मैं भी 2 सेंटर पे गया था, सेंट एंड्रयूज और इस्लामिया कॉलेज, तो वहाँ ठीक हो रही है, परीक्षाएँ ठीक हो रही है। तो कल बड़ी परीक्षा है, 215 सेंटर पर है, कल फिर हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।